वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSM व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट है कि हमारे में APS सिस्टम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं आज बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि मेरा वर्ज़न है 6.6.0। तो क्या आपने भी अपना ऐप जो है अपडेट किया हुआ है कि नहीं है, तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने लॉगिन कर लिया है। तो जब आपने पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई किया था, तब आपका पेमेंट बैंक अगर ओपन हुआ होगा तो आप क्या उसमें आप जाके देख लो कि मेरा पहला ऑप्शन आ रहा है ओपन बैंक अकाउंट, क्या ये ऑप्शन आप में है। बाकी सब चीज़ तो सेम रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आपने अगर एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए रिक्वेस्ट किया था और आपके अंदर अगर आप रिटेलर हो और आपके अंदर ये एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस अगर चालू हुई हो, तो शायद आप में ओपन बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि आपने जो अकाउंट ओपन करवाया है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक से आपको जो अथॉरिटी दी गई है, तो ये सिर्फ मतलब कैश जमा निकालना या ऐसे जो बाकी सारे जो ऑप्शन है उसके लिए ही है। तो इसको आप अपग्रेड करवाइए, मतलब जो आपके यहाँ सेल्समैन आ रहा है उससे कहिए, या अगर कोई एयरटेल पेमेंट बैंक का या अगर कोई सेल्समैन आ रहा है तो उससे कीजिए कि मुझे ओपन बैंक अकाउंट वाला और आधार APS वाला सिस्टम मुझे चाहिए। तो वो क्या करेगा कि वो वहाँ से रिक्वेस्ट डालेगा, तो 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका जो ये प्रोसेस है वो अपग्रेड हो जाएगा और आपके अंदर भी ओपन बैंक अकाउंट वाला और APS वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि APS सिस्टम हमारे में नहीं चल रहा है, तो आपको यही ध्यान देना है, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई किया था। तो मेरे को जो सिर्फ सिंपल ही अकाउंट, मतलब जो एयरटेल पेमेंट बैंक का हम अकाउंट ओपन करते हैं वो नहीं ऑप्शन नहीं था मेरे में। तो मैंने भी रिक्वेस्ट डाली, तब जाके मुझे भी ये ऑप्शन मिला है। फिर उसके बाद जैसे जैसे अपडेट आता गया वैसे ही मुझे APS सिस्टम भी मिला है। तो आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री जीवन योजना, अटल पेंशन योजना, लिंक डी लिंक वाला आधार, जो मतलब जो गैस की सब्सिडी, जो कोई भी सब्सिडी अगर आप लेना चाहते तो भी आप यहां से ले सकते हो। तो आप देख सकते हो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन मुझ में दिए गए हैं, शायद ये ऑप्शन काफ़ी सारे आप में ना हो, क्योंकि जो आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक वाला अकाउंट है वो सिंपल है, मतलब आपको अभी ओपन अकाउंट के लिए अथॉरिटी नहीं दी गई है, मतलब ये सर्विस भी शायद आपको ना मिली हो। तो आप अपने सेल्समैन से कहिए कि मुझे ये अपग्रेड करना है, मुझे भी ये ओपन एयरटेल पेमेंट बैंक का ओपन अकाउंट वाला ऑप्शन चाहिए, APS वाला ऑप्शन चाहिए। तो वो वहाँ से रिक्वेस्ट डालेगा, तो आपका 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपका जो APS वाला सिस्टम है, ओपन बैंक अकाउंट वाला सिस्टम है, वो चालू हो जाएगा। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।